नमस्कार दोस्तों, बीबीसी कंप्यूटर के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे बीबीसी की एक नई कैबिनेट के बारे में, जो कि है 3901 मॉडल। इस कैबिनेट में सबसे खास बात है कि इसका एक साइड पैनल जो है फुली टेम्पर्ड ग्लास है, और साथ में इसका जो फ्रंट पैनल है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके फ्रंट पैनल में आपको RGB स्ट्रिप दी गई है। हाँ दोस्तों, आपको इसके फ्रंट पैनल में RGB स्ट्रिप दी गई है। जो लोग RGB के दीवाने हैं, मीन्स कहा जाए कि जो लोग RGB को पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए ये कैबिनेट बहुत ही ज़्यादा लाइकली है। हम इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और मैं आपको इसके सारे फीचर्स और डिटेल्स इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। आप देख सकते हैं कि बीबीसी की जितनी भी टेम्पर्ड ग्लास की मॉडल की कैबिनेट आती हैं, उन सब में इसी तरह के अंदर पैकिंग होती है। फॉर्म पैकिंग ये इसलिए की जाती है जिससे कि इसके टेम्पर्ड ग्लास को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि ये सॉफ्ट होती है और सॉफ्ट प्रूफ होती है। तो हम इस कैबिनेट को बाहर निकालते हैं। ये हमने कैबिनेट बाहर निकाला है। अब हम इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी हाइट की। तो इसकी जो टोटली हाइट है वो है आपकी 51 सेंटीमीटर या फिर 20 इंचेस। हम इसकी विड्थ की बात करते हैं तो इसकी विड्थ है आपकी 42.5 सेंटीमीटर ऑफ 16.5 इंचेस। हम इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई आपकी हो है अप्रोक्स 12 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसकी लेंथ विड्थ हाइट की बात करें तो ये अपने हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है। साइज इसका अच्छा है जिसमें आप किसी भी तरह का मदरबोर्ड फिट कर सकते हैं।
अब हम इसमें आगे इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये इसके एक साइड टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है। टेम्पर्ड ग्लास को हम निकालते हैं, सबसे पहले इसका साइड पैनल ओपन करते हैं। ये हमने चारों स्क्रू ओपन की, अब ये हमने टेम्पर्ड ग्लास निकाला। टेम्पर्ड ग्लास के आप दोनों तरफ देख सकते हैं कि आपको इसके दोनों तरफ प्रोटेक्शन पॉलीथीन लगी हुई है, जिससे कि इसके ऊपर स्क्रैच ना आए ट्रांसपोर्टेशन के दौरान या किसी भी तरह के उसमें इसमें स्क्रैच ना आए। हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं टेम्पर्ड ग्लास की प्रोटेक्शन के लिए इसके चारों कोनों में रबड़ की बाइंडिंग दी हुई है, जिससे कि अगर किसी भी तरह का शॉक लगे तो ये शॉक अब्जॉर्प्शन का काम कर सकें। अब हम इसके अंदर कैबिनेट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो कैबिनेट के अंदर आपको काफ़ी स्पेस दिया हुआ है, कैबिनेट के अंदर आपको काफ़ी स्पेस दिया हुआ है। अब हम सबसे पहले इसकी मदरबोर्ड की बात करते हैं। मदरबोर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें ATX, Micro ATX और Mini ATX मदरबोर्ड आप इजीली फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस है, तो इसलिए ये आपके तीनों चीज़ें आराम से फिट हो जाएंगी। अब हम बात करें ग्राफिक कार्ड की, तो ग्राफिक कार्ड के लिए भी इसके अंदर अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा स्पेस है। ये आप देख सकते हैं ग्राफिक कार्ड के लिए भी इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस है, क्योंकि अंदर किसी भी तरह का सॉकेट नहीं है जिससे कि आपको किसी तरह का इश्यू हो। PSU इसकी बॉटम साइड है, तो हम इसके साइड बैक साइड पैनल को ओपन करेंगे, तो हम PSU और बाकी के फीचर्स के बारे में इसकी डिस्कस करेंगे। अब मैं खोलता हूँ इसका बैक साइड पैनल, ये मैंने ओपन कर लिया। इसको बैक में ये आपकी RGB LED को कंट्रोल करने के लिए इसमें कंट्रोल लगा हुआ है। आप और चाहें तो इसमें फिक्स फिट भी कर सकते हैं, RGB फैन, RGB स्ट्रिप्स वगैरह आप इसमें और यूज कर सकते हैं। ये आपकी इसमें केबल्स हैं, मैं केबल्स ओपन करता हूँ। ये आपके केबल्स हैं, केबल्स की क्वालिटी की अगर हम बात करें तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है, और गेमिंग कैबिनेट के हिसाब से बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड है इसका। ये आपके इसमें कनेक्टर्स वगैरह और केबल दी गई, ये 3.0 है, ये आपका USB के लिए है, 2.0 के लिए, ये आपका है साउंड के लिए, बाकी ये आपकी रिस्टार्ट, पावर बटन और बाकी की केबले हैं, हार्ड डिस्क LED और वो पावर LED वगैरह की। अब हम इसके स्क्रूज देखते हैं, ये आपके स्क्रूज हैं। स्क्रू के अंदर आपको चार टाई दी गई हैं, जो कि आपके केबल मैनेजमेंट में यूज होगी। ये आपके इसमें नॉर्मल स्क्रू दिए गए हैं, और साथ में एक्स्ट्रा स्क्रू भी दिए गए हैं, जो कि आपके फैन वगैरह में या वॉल माउंटिंग के लिए, और रबड़ स्पेस भी दिए गए हैं, जो कि आपके टेम्पर्ड ग्लास प्रूफ के लिए या और कहीं भी आप यूज करना चाहें इनको यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें हार्ड डिस्क के लिए। हार्ड डिस्क के लिए इसमें एक और एक दो तो यहाँ पे SSD के लिए पोर्ट दिए गए हैं, आप यहाँ पे दो SSD लगा सकते हैं, और यहाँ पे आप दो 3.5 इंच की हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। PSU के लिए SMPS, PSU पावर सप्लाई की स्पेस की बात करें तो इसका स्पेस काफ़ी अच्छा है, आप इसमें काफ़ी बड़ी सप्लाई भी यूज कर सकते हैं। अगर हम स्पेस की बात करें सेंटीमीटर्स में, तो ये मैं इंच टेप से इसको कैलकुलेट करता हूँ, ये आपका आप इसमें लगा सकते हैं अप्रोक्स 24 सेंटीमीटर तक का PSU इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं केबल मैनेजमेंट की, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें केबल मैनेजमेंट के लिए स्पेस दिया गया है। आप PSU अपने कनेक्ट करके यहाँ से उसकी वायरिंग अंदर पुश कर सकते हैं, और फिर अंदर मदरबोर्ड से या हार्ड डिस्क वगैरह से लिंक कर सकते हैं। इसके बाद अब हम इसके बैक की बात करें, तो इसके चार स्टैंड हैं जिन पे आपके फोम भी लगा हुआ है, जो कि किसी भी तरह के वाइब्रेशन अगर आप कैबिनेट में या फैन वगैरह कुछ करता है तो ये और आपकी कैबिनेट को मूवमेंट से बचाएंगे। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं डस्ट कवर भी यहाँ पे दिया गया है।
अब इसमें हम बात करते हैं कि इसके टॉप पैनल की, ये इसका टॉप पैनल है और ये इसके फीचर्स हैं। इसमें आपको दो 3.0 USB, दो 2.0 USB, एक पावर बटन, एक ये रिस्टार्ट बटन, और ये आपका जो है LED कंट्रोलर, जो मैंने आपको कंट्रोलर दिखाया था ये उसके कंट्रोल करता है। इसके बटन के फीचर जब मैं इसको प्ले करूँगा LED स्ट्रिप्स को, जब आपको मैं बताऊँगा कि किस तरीके से काम करता है। इसके बाद ये आपके दो हाई डेफिनेशन ऑडियो के पोर्ट दे रखे हैं। अब हम इसके फ्रंट पैनल को ओपन करने की बात करें तो सबसे पहले हम इसकी वायर्स को फ्री कर देंगे, जिससे कि अगर हम फ्रंट पैनल या टॉप पैनल ओपन करते हैं तो किसी तरह का हमें डैमेज ना हो, तो ये हमने इसको फ्री। अब हम बात करते हैं इसके फ्रंट पैनल और टॉप पैनल को ओपन करने की। तो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे नीचे स्पेस होता है इसको खोलने के लिए, हम इसमें नीचे से ऊपर इधर पुश करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको आराम से पुश करें, ज़्यादा जोर ना लगाएं, नहीं तो किसी भी तरह का इनमें से ये कपलर या कनेक्टर, ये इस तरह का आपका कोई भी कनेक्टर डैमेज हो सकता है। और ये हमने इसका फ्रंट पैनल ओपन किया है। अगर मैं इसकी बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें डस्ट फिल्टर लगे हुए हैं, फ्रंट पैनल में दोनों तरफ डस्ट फिल्टर लगे हुए हैं, जो कि अगर आप अंदर इसके अंदर जब आप इसमें फैन या सीपीयू कूलर या वाटर कूलर कुछ भी इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके डस्ट को फिल्टर करके अंदर आपको मूव करेंगे। ये एयर के लिए, यहाँ से आपकी एयर अंदर की तरफ सक होगी, तो ये इसलिए है। और इसके ऊपर आपका डस्ट फिल्टर लगा हो, जो भी किसी भी तरह की आपकी डस्ट को अंदर नहीं जाने देगा। तो हम इसको अलग करने के लिए यहाँ से इसके दो कनेक्टर हैं LED के, RGB LED के, हम इसको यहाँ से निकाल लेते हैं, बाद में इनको लगाएंगे। निकालने के लिए यहाँ पे स्विच है, सबसे पहले स्विच को प्रेस करें तो ये कनेक्टर आराम से निकल जाएगा। ये लॉक खोलने के लिए, ये हमने इसका फ्रंट पैनल अलग कर दिया। अब हम बात करते हैं इसके टॉप पैनल की, तो हम इसका टॉप पैनल भी बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं एक कोने से इसको पुश करूँगा, ये मैंने एक कोने से किया, मैं दूसरे कोने से करूँगा। और ये मैंने आपका बाहर निकाल दिया। अगर हम बात करें तो आप इसके फ्रंट पैनल में भी, टॉप पैनल में भी देख सकते हैं कि आपको इसमें यहाँ पे भी ये डस्ट फिल्टर लगे हुए हैं। जब आप इसकी कैबिनेट के टॉप पे अपना सीपीयू कूलर, वाटर कूलर या आपका फैन इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके डस्ट फिल्टर डस्ट को अंदर नहीं आने देंगे। ये आपका ये हो गया। अब हम बात करें अगर हम चेसिस की, तो इसकी चेसिस में आप टॉप के ऊपर, अगर हम टॉप की बात करें तो आप इसके टॉप के ऊपर 3 120 mm के और या 3 140 mm के फैन लगा सकते हैं। सेम ही आपका फ्रंट पैनल में भी है, यहाँ पे भी आप सेम 120 mm के तीन फैन या 140 mm के फैन इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हम टोटल ओवरऑल बात करें तो इसके अंदर हम 120 mm के फैन तो हम इसके अंदर 120 mm के तीन टॉप पे, तीन फ्रंट में, छह और एक आपका ये रेयर में, हम ये फैन इंस्टॉल कर सकते हैं इसके। अब अगर हम इसमें बात करें तो इसमें आपके एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एक्सपेंशन स्लॉट दिए गए हैं।
ये आपकी ये कैबिनेट है 3901, इसकी ये पूरी अनबॉक्सिंग, पूरी डिटेल्स, पूरे फीचर्स हैं। अगर आपको ये, अब मैं इसके बाद इसको वापस फिक्स करता हूँ, वही हम सबसे पहले इसका टॉप पैनल इंस्टॉल करेंगे। और इसका फ्रंट पैनल इंस्टॉल करेंगे, बट फ्रंट पैनल इंस्टॉल करने से पहले याद रखिएगा, जो आपने आरजीबी की स्ट्रिप्स खोली थी उन्हें वापस माउंट कर दें, जिससे कि वो प्ले हो सकें। अब मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। ये आपकी कैबिनेट फिक्स हो गई है। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो कि इस कैबिनेट में सबसे अच्छी बात है। इस कैबिनेट के ऊपर ये आपकी मैट फिनिशिंग दे रखी है, जिससे कि आपकी डस्ट इसमें बहुत ही कम स्टोर होगी। मींस अगर आप किसी भी तरीके से गंदी आ जाते हैं तो आप इजीली इसको क्लीन कर सकते हैं। नॉर्मल कैबिनेट ग्लॉसी होती हैं, ग्लॉसी में स्क्रैच वगैरह और वो सब कुछ इजीली पड़ जाता है। इस कैबिनेट में ऐसा कुछ नहीं है, आपको आराम से आप इजीली इसको क्लीन कर सकते हैं और डस्ट का भी इशू बहुत कम है। अब मैंने इस कैबिनेट के सारे फीचर, सारी डिटेल जितनी मैं कवर कर सकता था मैंने की हैं। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई इंक्वायरी हो, तो आप मेरे से वीडियो में के कमेंटमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। तब मैं आपको बताता हूँ कि इसके इस एलईडी बटन का क्या यूज है। ये एलईडी बटन के थ्रू आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं और अपने मन मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको चाहिए हो। अदरवाइज ये ऑटोमेटिक ही ऑटो मोड पे आपका प्ले होता रहेगा। अगर आपको आरजीबी एलईडी पसंद है तो ये कैबिनेट जो है वो आप ही के लिए है। और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कूल है और अट्रैक्टिव कैबिनेट है।